मर्यादित संसाधनों की वजह से सैकड़ों सालों पहले इंसान का विकास भी मर्यादित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कई आधुनिक खोजें की गई और इन्हीं खोजों की वजह से इंसान के लिए प्रगति के नए आयाम खुल गए। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 100-200 साल पहले इंसान के बनाए महल या इमारतें इतनी भी ज्यादा ऊंची नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से बिल्डिंगें आसमान को छूती नजर आती है वो देख एक आम इंसान चौंक ही जाता है। लगभग 5 दशक तक यानी कि 1931 से लेकर 1972 तक इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये बिल्डिंग पहले 40 में भी कहीं नजर नहीं आती। जल्द ही हम इस दुनिया की 1 किलोमीटर ऊंची इमारत को भी देखने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इस दुनिया की सबसे ऊंची और अनोखी बिल्डिंगों के बारे में। लेट्स बिगिन। शंघाई टावर, चाइना। आपको तो पता ही होगा कि चाइना एक ऐसा देश है जो काफी आधुनिक तकनीकों से लैस है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन मॉन्यूमेंट्स को दुनिया भर में सराहा जाता है। शंघाई टावर एक ऐसा जटिल टावर था जिसे खड़ा करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। इसे चाइना के सबसे बड़े टावर्स में शुमार किया जाता है। स्पाइरल आकार में खड़ी की गई ये बिल्डिंग सच में अनोखी ही है। इसकी ऊंचाई है 632 मीटर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चीन को रिकॉर्ड ब्रेक करना पसंद है, शंघाई टावर को खड़ा कर चीन ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। खैर, आसमान की ऊंचाइयों को छूती इस बिल्डिंग से पूरे शंघाई शहर का नजारा हम देख सकते हैं। 2008 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जो 2014 में जाकर ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए इतना खर्चा किया गया। इस बिल्डिंग में दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट मौजूद है। इस बिल्डिंग में होटल्स, रेस्टोरेंट्स देखे जा सकते हैं। इस टावर से ऐसा लगता है मानो आप आसमान में खड़े हों। 128 मंजिला इस इमारत से नीचे देखने से शायद आपको डर महसूस हो सकता है, लेकिन ये सच में एक अजूबा ही है। नेक्स्ट इज पिंग एंड फाइनेंस सेंटर, चाइना। पिंग इस दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। पिंग का चाइनीज में मतलब होता है सेफ एंड वेल। ये बिल्डिंग लगभग 2000 फीट इतनी ऊंची है और इसमें पाए जाते हैं 118 मंजिले। शेंजेन में स्थित ये टावर इतना ऊंचा है कि ये हांगकांग से भी देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग का अग्रभाग स्टेनलेस स्टील और कांच से बना है। इसकी असल खूबसूरती आपको देखनी है तो आपको ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ड्रोन के जरिए ही आप इस बिल्डिंग के काफी करीब जा सकते हैं। इस तरह की ऊंची बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो इसका फाउंडेशन भी काफी गहरा होना जरूरी हो जाता है, और इस बिल्डिंग के मामले में इसका काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है। इस बिल्डिंग में आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स और ऑब्जर्वेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। इसके खूबसूरत डिजाइन और ऊंचाई अपने आप लोगों का ध्यान खींच लेती है। नेक्स्ट इज वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये देश अजूबों से भरा है। इस दुनिया के ज्यादातर लोग अमेरिका में ही सेटल होना पसंद करते हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ की आधुनिकता। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश दुनिया से काफी आगे है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये बिल्डिंग भी अमेरिका के टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। 104 मंजिला इमारत बनाने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इंजीनियर्स को ये बिल्डिंग बनाने में काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सालों की मेहनत के बाद 1776 फीट ऊंची ये बिल्डिंग खड़ी की जा सकी। इस बिल्डिंग को ऊंचा ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बनाया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया जिनका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते से गुजरते लोग जब इसे देखते हैं तो सच में इस बिल्डिंग की ऊंचाई की वजह से उनकी गर्दन अकड़ जाती होगी। KXJB टीवी टावर। ये कोई बिल्डिंग नहीं है लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। ये टीवी टावर 2000 फीट से भी ऊंचा है। हम किसी ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट के जरिए तो जा सकते हैं, लेकिन KXJB जैसे टीवी टावर में ऐसी सुविधा नहीं है। आपको इसे चढ़ने में कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं, और इस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं होता क्योंकि आप टावर के रेडिएशन को नहीं देख सकते। इसीलिए जब ये टावर डिटेक्टिव होता है तभी यहाँ चढ़ा जा सकता है। इस टावर को चढ़ने के बाद ज्यादातर बार आपको नीचे बादलों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये काफी ऊंचा है। स्टॉर्म की वजह से ये टावर 2 बार गिर गया था, लेकिन चंद महीनों की मेहनत के बाद इसे फिर से खड़ा किया गया, लेकिन अब ये पहले से काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया। ये टावर स्टॉर्म्स को चुनौती देते अब पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा है। जद्दाह टावर। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसने पिछले कई दशकों से किए विकास से दुनिया को चौंका दिया, और एक बार ये देश
देश दुनिया को फिर से चौंकाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश तैयार कर रहा है इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो होगी 1 किलोमीटर इतनी ऊंची। आज तक किसी भी देश ने 1 किलोमीटर इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई। ये बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, लेकिन ये जब बनके तैयार होगी ये कुछ इस तरह से शानदार दिखाई देगी। बादलों को चीरते हुए ये बिल्डिंग और भी ऊपर चली जाएगी। इस बिल्डिंग पे दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी तैयार की जाएगी और भी कई तरह के कॉर्पोरेट ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, तब इस बिल्डिंग पे 200 से ज्यादा फ्लोर्स होंगे। इसके लिए जेद्दाह टावर का फाउंडेशन 16 मीटर तक नीचे जमीन में बड़ी मजबूती से बनाया गया है। हम आने वाले कुछ सालों में इस सबसे बड़ी बिल्डिंग को देख पाएंगे। नेक्स्ट इज लोटे वॉल टावर। ऐसी कई चीजें हैं जो साउथ कोरिया को बेहतर बनाती है, उसी में से एक है लोटे वॉल टावर। ये बिल्डिंग साउथ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की छठी सबसे ऊंची बिल्डिंग। इसकी लंबाई है 555 मीटर, इतनी ज्यादा। बेहद ही खूबसूरत इस बिल्डिंग में 129 फ्लोर्स हैं, 123 ग्राउंड के ऊपर और 6 ग्राउंड के नीचे। ये बिल्डिंग होटल, मॉल, ऑफिसेज और ऑब्जर्वेटरीज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। 14 से 37 फ्लोर तक कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, 42 से लेकर 71वें फ्लोर पर जिम और कई तरह की सर्विसेज उपलब्ध हैं, और जो होटल हैं उसके लिए 76 से 101 तक के फ्लोर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इस बिल्डिंग में लोटे शॉपिंग मॉल है, जिसके लिए 10th फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बिल्डिंग का इंटीरियर इतना बेहतरीन है कि आप इस बिल्डिंग से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। सच में ये बिल्डिंग एक अजूबा है। नेक्स्ट इज बुर्ज खलीफा। 20वीं शताब्दी में दुबई की कुछ खास पहचान नहीं हुआ करती थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में दुबई जिस तरह से विकसित हुआ और अमीर बना, वो सच में काबिले तारीफ है। दुबई ने दुनिया को चैलेंज करते हुए इस दुनिया की आज तक की सबसे ऊंची इमारत बना डाली, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। 829 मीटर इस इमारत को बनाने के लिए 110,000 टन से भी ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। इस इमारत को देखते ही देखते ऐसा लगता है जैसे ये इमारत शीशे से बनी हो। 2004 में इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। इसके निर्माण में 12,000 मजदूर दिन रात काम करते थे। इस बिल्डिंग में 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर्स, 58 लिफ्ट्स, 900 अपार्टमेंट्स और 163 मंजिलें हैं। एक साथ इस बिल्डिंग में 35,000 लोग रह सकते हैं। ताइपाई फाइनेंशियल सेंटर, ताइवान। ताइपाई फाइनेंशियल सेंटर, इसे ताइपाई 101 भी कहा जाता है। इस इमारत में 101 मंजिलें होने के कारण इसे ताइपाई 101 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 508 मीटर यानी 1667 फीट। 2004 में इस बिल्डिंग की ओपनिंग की गई। 2004 तक की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। 2007 में यानी कि महज 3 साल में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ताज ताइपाई फाइनेंशियल सेंटर से छीन लिया गया, जब बुर्ज खलीफा बनके तैयार हुई। इस बिल्डिंग में आपको ज्यादातर मॉल्स ही देखने को मिल जाएंगे। इस बिल्डिंग में इंडोर ऑब्जर्वेटरी और आउटडोर ऑब्जर्वेटरी भी देखी जा सकती है। ये बिल्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन बिल्डिंग भी कहा जाता है। बिल्डिंग में लगी लिफ्ट इतनी तेज है कि वो महज 37 सेकंड्स में 5th फ्लोर से 89th फ्लोर तक आपको ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पर जरूर होके आना। एंड दिलास सिटिक टावर, चाइना। बीजिंग चाइना में स्थित सिटिक टावर को डिजाइन किया है अमेरिकन कंपनी कोहन पेडरसन फॉक्स ने। ये चाइना की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत है। इसकी ऊंचाई है 528 मीटर, 109 मंजिलों से ये बिल्डिंग पूरी होती है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद बिल्डिंग में कर्व नजर आता है, जो इस बिल्डिंग की खासियत है। खास अमीरों के लिए इस बिल्डिंग में 20 लग्जरी अपार्टमेंट्स, 20 मंजिलें, होटल्स और 300 रूम्स हैं। यहाँ आपको खूबसूरत रूफटॉप गार्डन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खास और अलग देखना चाहते हो और आप इसके लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, तो बेशक आप सिटिक टावर में कुछ दिन बिता सकते हो, जो शायद आपके लिए खूबसूरत पल साबित हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।